जिसका सबको था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। जी हाँ, मोदी 3.0 का बजट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने संसद भवन में पेश कर दिया है। अब किसानों के अच्छे दिन आएंगे या उन्हें इस बजट से अब भी निराशा ही हाथ लगी है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या खास है इस बजट में, खास करके किसानों के लिए। मेरा नाम नील है और आप देख रहे हैं जिफी न्यूज। इस बार सरकार ने एग्रीकल्चर से जुड़े इस सेक्टर को 1.52 लाख करोड़ का तोहफा दिया है। यह अमाउंट पिछले बजट में 1.25 लाख करोड़ रुपए का था, जिसमें लगभग 21.7% की बढ़ोतरी हुई है। इस बार भी सरकार ने किसानों की जो मांगे थी, जैसे MSP या अन्य जितनी भी मांगे थी, उसको लेके कोई घोषणा नहीं की है। कुछ अन्य घोषणाओं में 32 फसलों की नई 109 वैरायटीज लॉन्च की जाएगी, दलहन तिलहन की उत्पादकता यानी कि फार्मिंग और भंडारण यानी कि रख रखाव बढ़ाने पर भी सरकार का जोर होगा। इस बार के बजट में सरकार ने नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने पर जोर दिया है, उसे फोकस में रखा है। इसका मतलब यह है कि सरकार चाहती है कि किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कम करें और प्राकृतिक तरीके से खेती करें। सरकार 6 करोड़ किसानों की भूमि संबंधी जानकारी को एक केंद्रीकृत डिजिटल रजिस्ट्री में संग्रहित करेगी। इसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड को अधिक सटीक और पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट बनाना है। इसके अलावा 5 अन्य राज्यों में भी किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च होगा। ये थे कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं जो आज निर्मला सीतारमण ने करी है। आप क्या सोचते हैं इन घोषणाओं के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वैसे अगर मैं जितनी भी घोषणाएं की गई हैं उनको एनालाइज करूं तो मैं यही कह सकता हूं कि सरकार ने बहुत कुछ खास नहीं किया है, वायदा ज्यादा देखने को मिलता है। अब हमें देखना होगा कि इसके इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो सरकार कितने प्रभावी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर पाती है। मैं हूं नील और आप देख रहे थे जिफी न्यूज। धन्यवाद।